अब आप सुनने वाले हैं दोस्तों रेडियो पे नया प्रोग्राम जिसने धमाके कर दिए हैं, कमाल प्रोग्राम है, मोइज साहब का शो है, सीन ऑन है। बताइए मोइज क्या हो रहा है, स्टार्ट करें, शो स्टार्ट करें। बहुत अच्छा शो किया आपने मोइज, मोइज के लिए तालियां। नहीं, आप अपना नाम इंट्रोड्यूस करें पहले, सबसे पहले अपना नाम बताएं कि मैं मोइज बात कर रहा हूँ। उसको नहीं है शौक यार, उसको बस सवाल दे दिया था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसको आरजे बना के डिनो भेजेगा कर। बट जनरली कॉन्फिडेंस की बात होती है सारी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, म्यूजिक नॉलेज होनी चाहिए, जितना आप रिसर्च कर सकते हैं म्यूजिक पे रिसर्च करें और बस अपने आप को इन्जॉय करें। जैसे हो ना, जैसे दोस्तों के साथ हो वैसे हो गए, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको। थैंक यू मोइज। मोइज ऐसा लग रहा है सवाल पूछ के सो गया है। मोइज एक पॉइंट पे उसने मैंने क्यों पूछा, मोइज ने कहा कि ये मैंने क्यों, और कौन सवाल पूछता जाता भाई, आप पूछा जी। आइए बैठिए बैठिए माइक, जितना सीरियस हो। वालेकुम सलाम, आप इतना सीरियस क्यों है, मुझे डर क्यों लग रहा है, आप क्या पूछने वाली है मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाली। बताइए बताइए सर, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आप पाकिस्तान वापस आए हैं तो लंदन की कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आप मिस करते हैं? कौन सी चीज़ है जो मैं यहाँ मिस करता हूँ, जो वहाँ की मिस करता हूँ? सर लंदन की, कहाँ लंदन की, लंदन की चीज़ जो मिस करता हूँ। ओके, लंदन की चीज़ कौन सी मिस करता हूँ यार? आई थिंक के वॉकिंग इज समथिंग, मैं और हसन भी बात कर रहे थे थोड़ा टाइम पहले ही, कि जो वॉक करने का जो कल्चर है कि वॉक करते रहें और आप वॉक कर सकते हैं, स्पेशली इन कराची अनफॉर्चुनेटली हम इतना सेफली वॉक नहीं कर पाते क्योंकि सिचुएशंस हो जाती हैं आपके साथ। आई थिंक ये एक चीज़ है, आई थिंक ख़वातीन के लिए एक ऐसी चीज़ है जो मैं बड़ा बुरा फील करता हूँ कि हमारी ख़वातीन जो है सेफली वॉक कर पाएँ, सेफली ट्रैवल कर पाएँ, आई थिंक ये एक चीज़ है। तो आई थिंक जनरली पब्लिक की जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो मैं थोड़ा मिस करता हूँ, जिस तरह का होता है वहाँ पर। थैंक यू सो मच, माइक रखिएगा साइड में वहाँ पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा डीनो, दिस समथिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू, यू वर इन द यूके एंड माशाल्लाह आप बीबीसी उर्दू के लिए आप काम कर रहे थे, एंड यहाँ से जाना, एंड आपने ये बात पहले भी आप इसके बारे में आपने बात की है कि इट वॉजन ईजी फ्रॉम स्क्रैच आपको शुरू करना पड़ा, थोड़ा सा रियलिटी चेक भी आपको मिला, बट जब आपको काम मिल गया और बीबीसी जैसे इदारे में आप काम कर रहे थे, वापस क्या सीन हुआ वो? मैं वापस अपनी फैमिली के लिए आया था, बिकॉज माई मदर एट द टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह तो शी इज़ डूइंग रियली वेल, एट द टाइम शी वॉज़न्ट फीलिंग वेल, सो आई हैड टू कम बैक फॉर हर मेनली, दैट वॉज द मेन रीजन दैट आई केम बैक। But also because I missed home, yaar. You know what I mean? Jab aap, and why did you leave then in the first place? I left in the first place because of the BBC. So I got a very good opportunity. Aur main, lekin aapne to kaha wahan to aapko pata hi nahi tha ki... Main jab gaya tha to main aapko batata hu na. To main jab mujhe offer aayi to maine kaha ki yaar ye to bahut achhi offer hai aur zahir hai BBC ka itna bada naam aur ek ek host ke liye ek international us tarah ka exposure. So I was very very happy of the opportunity. So I said I definitely want to go. So I went abroad for that. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे realize हुआ कि कितना मुश्किल है बाहर रह के अपने आप को दोबारा settle करना। हम अक्सर, और मैं जो young लोग हैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि हम अक्सर जब जा रहे होते हैं तो we don't know what to expect. Yeah. अब तो awareness बहुत बढ़ गई, अब तो लोगों को पता चल जाता है कि बाहर life कैसी है, आप Google भी कर सकते हैं, आप दोस्तों से भी पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अभी भी unfortunately ऐसे लोग हैं जो कि जब ये सोचते हैं कि हम उतरेंगे किसी भी फॉरेन कंट्री में अपने मुल्क को छोड़ के, यू नो लाइक सीन ऑन होगा, सीन ऑन है, लाइक उतर के ज़िंदगी बदल जाएगी, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक फूलों का बिस्तर होगा और ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी कम्पेटिटिव, और आपको बहुत एक रियलिटी, सॉलिड रियलिटी चेक मिलता है कि आपको दोबारा शुरू करना है और दोबारा अपने आप को मनवाना है एक नई कंट्री में, नए लोगों में। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक, but you did a good 5 years there, right? I did a good 6 years there. So I was there from 2010 till 2016, and I think कि वो जो एक reality check, वो जो एक, यार 2011-12 में मैं यूके में था, मैं आपको रीच आउट करता, शायद आप मुझे मिलवाई देते यार, मैं हाँ वैसे आप और मैं चिलिंग कर रहे होते, तो मैं और आप चिलिंग, कोई बात नो, बट सो आई थिंक, बट मैं एक बात बताऊँ, जिंदगी में कोई भी आप डिसीजन लेते ना, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, आपके लिए टफ टाइम हो कुछ हो, आप सीखते ज़रूर हैं, बिल्कुल सही बात। तो मैंने जो 6 साल वहाँ गुजारे, मैं प्रैक्टिकल बहुत हो गया ज़िंदगी में, मैं प्रोफेशनल बहुत हो गया ज़िंदगी में, मुझे अपने मुल्क और बहुत सारे कमाए यार ऑन एयर नहीं बता सकते, बट उसके, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा जो आई फील जो मैंने गेन की और जो मैंने हासिल की वो ये है कि अपने मुल्क की जो मैंने अहमियत
मुझे आई और अपने मुल्क के लोगों की, और अपने मुल्क में जितना हम खुश रहते हैं और अपनी जो आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन था कि यार सो माशाल्लाह कभी ये महसूस नहीं हुआ दैट यू नॉट हियर, ये क्या बात, ये क्या एक चीज है कि यू वर ऑलवेज सीन somewhere or the other. I don't know about that, but I kept in touch with people here, and I kept in touch with people that mean so much to me, and I honestly I love Pakistan. I mean, aapko batau main bada mera patriotism jo tha na wo aapko jab aap nahi hote na apne mulk mein tab aapko ehsaas hota hai ki aapka mulk kya hai aur aapke mulk ne aapko kya diya hai aur kya izzat aur taaliyan bhai wah wah मैं वाकई मैं देयर इज नो प्लेस लाइक होम, देयर इज नो प्लेस लाइक नो डाउट या अच्छा जी वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे हमारा बड़े मजे का सेगमेंट है बाजी नहीं सब मुझे नहीं करना है बाजी सब जाते यार ये सेगमेंट जो है ना ये सेगमेंट मुझे हरा देंगे नहीं कुछ नहीं ये वो वाला सेगमेंट है एक हमारी मेरी को होस्ट है वो साइको एनालाइज करेंगी आपको वो ले रही थी ना यार उनके लिए तो बड़ा टफ होगा उनके लिए तो बड़ा मसला होगा मुझे साइको वो खुद साइको ना हो जाए मुझे एनालाइज करने के चक्कर में देखते हैं वो अंदर की सारी बातें निकालेंगी नहीं उनको ना बुलाएं नहीं उनको बुलाना पड़ेगा उनको बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपकी कुछ बातें ढकी छुपी हैं आप बहुत जाना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन तीनों जितना भी शोर मचा ले बाजी आगे रहेगी विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक अबे यार आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं लोगों का या देखें ये आपको जो आज कहेंगी मेरे बारे में मैं हैंडसम हूँ और जो मैं दुनिया में मुझसे आदमी और कोई नहीं ये सब बातें सच है ठीक है बिल्कुल लेकिन अगर ये ना कहा इन्होंने तो वो सब झूठ है जो उसके अलावा बातें की वो झूठ है ये डीनो बहुत डर रहे थे आपके साथ ये सेगमेंट करने से उन्होंने कहा कि ये सुमेरा को मैं मिल चुका हूँ पहले मैं इनका इंटरव्यू ये बहुत अरसे से मेरी रीडिंग करना चाह रही है बहुत अरसे से ये मेरी रीडिंग करना चाह रही है मैंने करने नहीं दी इनको बिल्कुल बिल्कुल क्यों आप इतने अरसे से डीनो की रीडिंग करना चाह क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन हु डिडंट वांट हिज रीडिंग डन इज दैट ट्रू आई एम प्रोबब्ली द वन ऑफ द फ्यू की तरफ से थी